जो कोई भी व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हो। लेकिन हम जो उत्सव मना रहे वह एक सिद्धांत, एक आदर्श यानी अपना हिंदुत्व, उसके पुनस्थापना का यह उत्सव हम मना रहे, यह बात नामाभिधान से प्रकट होती है। वैसे एक व्यक्ति के नाते शिवाजी का दुनिया के इतिहास में जो मूल्यांकन किया जाएगा एक अच्छे सेनापति वो थे ही, अच्छे शासक थे, और इस दृष्टि से यदि हम संसार के हिंदुस्तान बाहर के और श्रेष्ठ माने गए ऐतिहासिक पुरुषों से उनकी तुलना करते तो संसार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान शिवाजी को प्राप्त है, इसका हमें ज्ञान होता है। केवल उदाहरण के लिए यदि देखा जाए कार्य के मूल्यांकन की दृष्टि से, केवल उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो तीन बड़े पुरुषों का नाम हमारे सामने आता है पश्चिम के। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते थे, जूलियस सीजर, जिसने रोम का साम्राज्य चारों ओर फैलाया, और नेपोलियन, जिसने कई दशकों तक संपूर्ण यूरोप को अपने उंगली के इशारे से नचाया। तीन बड़े नाम अपने सामने आते, लेकिन यदि हम तुलना करते, यह बात सही है कि अलेक्जेंडर को सारी साधन सामग्री उपलब्ध थी और हिंदुस्तान के बाहर उसने लड़ाइयां जीत ली, एक कुशल सेनापति थे, यह बात सही। लेकिन यह भी बात सही है कि जब विपरीत परिस्थिति आने लगी, जब सैनिकों को मार पड़ने लगी हिंदुस्तान में आने के पश्चात, तब अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों में वो आदर्शवाद निर्माण नहीं कर सके जिस आदर्शवाद के निर्माण से शिवाजी ने गिरती हुई अवस्था में भी, पीछे हटने की अवस्था में भी अपने सिपाहियों का, अपने लोगों का धीरज कायम रखा और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, प्रवृत्त किया। इस तरह का आदर्शवाद अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों में निर्माण नहीं कर सके और इसी के कारण उनके मन में जो एक इच्छा थी कि व्यक्तिगत रूप से मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, एक जगत जेता इस नाते मेरा नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान से उनको परास्त होकर वापिस जाना पड़ा। लेकिन उस समय का उन्होंने विश्व विजय जरूर किया था। इतना बड़ा विजय प्राप्त करने के पश्चात जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात 4-5 साल के अंदर अंदर उनके विस्तृत साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए, सारा जो उन्होंने संपादन किया था वह विभाजित हो गया, जो हिस्सा साम्राज्य का जिसके हाथ में था वो वही बादशाह बन गया और सारा उनका जीवन कार्य मिट्टी में मिल गया, यह इतिहास हमें बताता है। शिवाजी के बारे में उन्होंने इस तरह का आदर्शवाद दिया था कि उनके मृत्यु के पश्चात और लगातार कितने ही सालों तक संघर्ष करना पड़ा, प्रबल शक्ति से संघर्ष करना पड़ा और लगभग 17-18 साल तक तो यह हालत रही कि अपना राज्य, जिसको कहा जाए इस तरह की 1 इंच तक जमीन अपने हाथ में नहीं, कोई सेना नहीं नियमित, जिसको सेना कहा जाए, कोई नियमित सेनापति नहीं, कोष नहीं, कोषाध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं, केवल हवा के साथ चलते हुए और लोग अपनी अपनी टोलियां बनाकर एक प्रबल साम्राज्य सत्ता का विरोध कर रहे, जिनका कोई उस समय एक नेतृत्व करने वाला नहीं था 17 साल तक, अपनी ही प्रेरणा से, जिसमें किसी को कुछ प्राप्त नहीं, केवल आदर्शवाद के कारण
इस तरह की चारों ओर बिखरी हुई और टोलियां किसके साथ संघर्ष कर रही, तो सारे उत्तर हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य जिनके पास है, साम्राज्य का खजाना जिनके पास है, साम्राज्य की सैनिक की शक्ति जिनके पास है, और जो यह प्रतिज्ञा लेकर दिल्ली से आया है कि हिंदवी स्वराज्य की कब्र मैं यहां रचूंगा, उस औरंगजेब के खिलाफ इतने साल तक एक लंबी लड़ाई इस तरह की बिखरी हुई टोलियां देती रही और हिंदवी स्वराज्य की कब्र मैं यहां रचूंगा यह कहने वाले औरंगजेब की कब्र दक्षिण में रची गई और वो वापिस फिर से दिल्ली में नहीं जा सका जिंदा। और यह सारा पराक्रम किन लोगों ने किया जिनके पास न राज्य था, न सेना थी, न कोष था, न सेनापति थे। इस तरह की बिखरी हुई टोलियां जनता की, इन्होंने यह पराक्रम यह किया। माने अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद तुरंत उनका एक वेल नेट अच्छी तरह से संगठित साम्राज्य खटाक से टूट जाता है यह दृश्य एक तरफ, और शिवाजी के मृत्यु के पश्चात इतनी विपत्ति आते हुए भी और लोग लंबी लड़ाई लड़ते हुए एक साम्राज्य सत्ता का विध्वंस कर देते हैं यह दृश्य दूसरी तरफ, किसी भी व्यक्ति के जीवन कार्य का जो मूल्यांकन होता है, उसके जीवन के पश्चात क्या क्या घटनाएं होती है, उसके जीवन कार्य का परिणाम इंपैक्ट, उसके जीवन के पश्चात क्या होता है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इससे आंका जाता है। तो यह बहुत ही फर्क दोनों के जीवन कार्य के फलश्रुति में है ऐसा हम देख सकते हैं। जूलियस सीजर का नाम आता है। जूलियस सीजर के पास भी साधन सामग्री बहुत थी, वे भी एक कुशल सेनापति थे लेकिन साधन सामग्री बहुत थी, लेकिन उनके जीवन काल में ही हम देखते हैं कि उनके ही अनुयायी उनके खिलाफ हो गए। बड़े सेनापति थे, कुशल सेनापति थे, अच्छे शासक थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके ही अनुयायी इनके खिलाफ हो गए, यहां तक कि कल तक उनकी जय जयकार करने वाले लोगों ने आज उनका खून किया, क्योंकि उनके मन में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा केवल बाकी बची थी। जहां प्रारंभ में मैं रोम का महत्व बढ़ाऊंगा, मैं रोम का साम्राज्य बढ़ाऊंगा यह आकांक्षा थी, वहां बस मेरा महत्व बढ़ना चाहिए, मेरा साम्राज्य बढ़ना चाहिए, मेरा नाम बढ़ना चाहिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने इसका स्थान लिया था, और इसके कारण जो अपने वाले थे वह भी विरोध में गए, उन्होंने खून कर दिया। छत्रपति शिवाजी के इतिहास में हम उल्टा देखते कि उनके लिए आत्मार्पण करने में होड़ लगती थी, शिवाजी के कहने पर शिवाजी के कार्य के लिए कौन आत्मार्पण कर सकता है, इसके लिए होड़ लगती थी, न केवल उनके जीवित रहते हुए अपितु उनके मृत्यु के पश्चात भी दशकों तक इस तरह कार्यकर्ताओं में स्पर्धा रहती थी कि कौन आत्मार्पण करता है उन आदर्शों के लिए जिन आदर्शों की स्थापना शिवाजी ने की। कितना यह अलग ढंग का उदाहरण हमारे सामने आता है। नेपोलियन के बारे में हम जानते, नेपोलियन वाटरलू में हार गए, शिवाजी आगरा में हार गए, दोनों में फर्क नहीं है, इनकी वाटरलू की हार और शिवाजी का आगरा में अरेस्ट होना एक तरह की बात है, लेकिन हम देखते वाटरलू के लड़ाई के पश्चात यदि फ्रेंच जनता नेपोलियन के साथ होती, यदि उनके अनुयायियों का विश्वास भरोसा नेपोलियन पर होता, नेपोलियन व्यक्तिवादी नहीं आदर्शवादी है ऐसा भी लोगों को लगता, तो दोबारा सब लोगों को इकट्ठा करते हुए लड़ाई की तैयारी की जा सकती थी, किंतु इस तरह उनके अनुयायी ने फिर से लड़ाई की तैयारी नहीं की, उल्टे नेपोलियन पर दबाव डाला कि अब आप शत्रु के दुश्मन के हाथ में आत्मसमर्पण कर दीजिए, अब हम लड़ाई के चक्कर में फिर से जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में जो श्रद्धा होनी चाहिए वह टूट गई, उनको लगा था यह आदर्श का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, यह तो अपने वंश को राजवंश के नाते प्रस्थापित करना चाहता है, अपने डायनेस्टी प्रस्थापित करने का इसका प्रयास है, और इसके कारण यह जितने जल्दी अब दुश्मन के हाथ में चला जाएगा उतने जल्दी एक बला निकल जाएगी, हम लोग आराम से सांस ले सकेंगे, यह भावना लोगों में जागृत हुई थी।
किंतु उसी तरह का प्रसंग आगरा में जेल में रहने का औरंगजेब के जब शिवाजी पर आता है, तो किस तरह शिवाजी को वहां से निकाला जा सकता है, इसलिए सारे लोग सतर्क है, सचेष्ट है। वहां से निकलने के बाद, बड़े तरकीब के साथ वहां से निकलने के बाद, उनका पीछा करने वाले जो औरंगजेब के लोग थे उनसे शिवाजी और उनके लोगों को बचाने के लिए सारी जनता, संपूर्ण हिंदू जनता यह सचेष्ट है। और दक्षिण में सभी लोग, जहां हिंदवी स्वराज्य का ढांचा खड़ा था, वहां राह देख रहे, और जैसे ही शिवाजी आ जाते हैं तो सब लोग फिर से उनके झंडे के नीचे जैसे के वैसे खड़े वो देखते हैं, और दोबारा द्विगुणित उत्साह के साथ फिर से मुगल बादशाह के खिलाफ उनका अभियान चलता है। यह दृश्य अपने इतिहास में देखा है। दोनों समान प्रसंग है। वाटरलू में नेपोलियन और आगरा में शिवाजी परास्त हो गए थे, लेकिन वाटरलू के पश्चात लोगों ने नेपोलियन का साथ नहीं दिया, उनको दुश्मन के हाथ में जाने दिया। जो नेपोलियन बाहर थे, स्वतंत्र व्यक्ति के नाते थे, उनको शत्रु के जेल में जाने का उपदेश जनता ने किया, और यहां जो शिवाजी जेल में थे उनको जेल में से निकालना, स्वराज्य में सुरक्षित पहुंचाना, और फिर दोबारा उनके ध्वज के नीचे, उनके नेतृत्व के अंडर, और दोबारा फिर से मुगल बादशाह के साथ संघर्ष लेना, यह सारा काम यहां जनता ने किया। दो उदाहरण हमें दिखाते क्यों कि शिवाजी के विषय में हरेक के मन में यह था कि इनका व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो कुछ भी है वह आदर्श का है, जो कुछ भी है वह हिंदुत्व का है, अपना कुछ नहीं, यह उनके विषय में था। हर एक बात में उद्देश्य क्या है व्यक्ति का, इसका बड़ा महत्व होता है। हम राजनीतिक वायुमंडल से थोड़ा सा परिचय रखने वाले लोग हैं, हम जानते हैं राजनीति में तरह तरह के मोटिवेशंस हुआ करते हैं। शिवाजी ने इतना सारा प्रयास किया, मोटिवेशन क्या था? अपने एक पत्र में वो लिखते हैं, हिंदवी स्वराज्य होना चाहिए ऐसे भगवती की इच्छा है। अपने साथी को पत्र लिखते समय कहते हैं कि हिंदवी स्वराज्य होना चाहिए ऐसी भगवती की इच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी इच्छा है, ये नहीं कहा मेरे मां की इच्छा है, भोसले परिवार की इच्छा है, मेरे जात वालों की इच्छा है, मेरे पार्टी वालों की इच्छा है, ये नहीं कहा। ये कहा कि हिंदवी स्वराज्य होना चाहिए यह भगवती की इच्छा है। मैंने अपने इस राजकीय कार्य को वो किस ढंग से समझते थे, किस प्रकाश में वो लेते थे, इसका बोध हमें इससे होता है। दूसरे एक पत्र में वो कहते हैं राज्य धर्म का है, शिवबा का नहीं, कि यह धर्म का राज्य है, शिवबा का राज्य नहीं है, शिवाजी का राज्य नहीं। उनके समकालीन, लेकिन उस समय उनसे भी अधिक प्रबल एक सरदार, जो विजापुर के पास शाह के सरदार थे, चंद्रराव मोरे, वो स्वराज्य के प्रयास में अपने कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाए, इस दृष्टि से शिवाजी ने पत्र लिखा कि आप आ जाइए, हम लोग साथ साथ मिलकर काम करें। ये चंद्रराव मोरे को विजापुर के पातशाह ने राजा यह किताब दिया था, टाइटल दिया था। वो चंद्रराव मोरे इनको लिखते कि भाई हमारी प्रतिष्ठा कहां है, तुम्हारी प्रतिष्ठा कहां है, तो अपनी प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है यह दिखाने के लिए कहते कि हमें राजा यह किताब माने टाइटल पातशाह ने मेहरबान होकर दिया है, हमें राजा यह किताब यानी टाइटल पातशाह ने मेहरबान होकर दिया है। अब उसके जवाब में शिवाजी क्या लिखते, वो लिखते हैं हमें यह राज्यत्व श्री शंभु ने दिया है, श्री शंभु यानी भगवान शंकर जी। भाई ये तो समझ सकते कि चंद्रराव मोरे को किसी विशेष सेरेमनी में समारोह पर और राजा यह टाइटल दिया होगा, पातशाह ने दिया। लेकिन शिवाजी जो लिखते हैं कि हमें यह राज्यत्व श्री शंभू ने दिया है, ये श्री शंभू ने कब दिया, कौन सा समारोह हुआ था, कौन कौन वहां विटनेसेस थे, यह उनका विश्वास था कि यह सारा ईश्वरीय कार्य है, अपना नहीं, यह विश्वास था। और यह जो कार्य है वो भगवान की सेवा के नाते ही करना है, राज्य की लालच नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरा नाम होना चाहिए यह बात नहीं,
तो यह हिंदुत्व का काम है, यह भगवान का काम है, यह धर्म का काम है, और उसके लिए एक साधन मात्र मैं हूं, यह भावना थी। और इसके कारण हम देखते कि राज्य के विषय में किंचित भी, तनिक भी लालच उनके मन में नहीं। बड़े पराक्रम से राज्य संपादन किया, लेकिन लालच नहीं। यह जो उनकी निष्प्रह वैराग्यशील मनोवृत्ति, जीवन में कई बार उसका परिचय मिला है। एक बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि उनके पिताजी को विजापुर के पास शाह ने अरेस्ट किया और कहा कि अपने लड़के को ठीक करो वरना हम तुमको खत्म करेंगे। अब बहुत प्रयास किया लेकिन उनको मुक्त नहीं करवा सके, तो इनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरा यह सारा कर्तृत्व है, क्या इसका उपयोग है, अपने जन्मदाता को मैं और विजापुर के जेल में से उनको उनका छुटकारा नहीं कर सकता। तो इतना इनको पश्चाताप हुआ कि इससे तो मरना अच्छा है यह समझकर, और वह आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हुए। जो व्यक्तिगत आकांक्षा को लेकर मैं, मेरा बड़प्पन, मेरा सम्मान, मेरा गौरव, मेरा राज्य, इस तरह के अहंकार की और केवल आत्म केंद्रित भावना लेकर जो चलता है वो इस तरह आत्महत्या की बात नहीं करेगा। दूसरे एक अवसर पर संत तुकाराम जी का कीर्तन सुनने के लिए शिवाजी गए और उन्होंने जो आत्मनिरूपण किया उसके कारण इतने प्रभावित हो गए, सारा अपना राज्य शासन सभी बातें भूलकर तुकाराम को उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब आपके ही साथ रहूंगा, ये जो कीर्तन करने वाले हैं आपके साथ 10 लोग उसमें मैं भी 11वां होकर रहूंगा। तो तुकाराम ने कहा फिर राज्य शासन का काम कौन चलाएगा? बोले देखने वाले देख लेंगे, अब मैं तो इससे उब गया हूं, करना क्या है, तो आपके साथ ही हरि संकीर्तन करता रहूंगा। उसके बाद तुकाराम जी ने उनको फिर राजधर्म का उपदेश किया कि भाई राजा के नाते तुम्हारा भी कुछ धर्म है, शासन चलाना यह धर्म है, मेरे जैसे केवल भगवान का नाम लेने से होगा नहीं, तो तुम्हारे लिए धर्म वो है कि तुम शासन चलाओ। और इस नाते फिर से वापिस आ गए। हम जरा सोचे, वो तो स्वराज्य के नेता थे, किंतु आज जो हम बड़े राजनैतिक प्रवृत्ति के हो रहे, मैं तो कहूंगा कि सारे संपूर्ण राज्य का मालिक, ये तो बात छोड़िए, म्युनिसिपालिटी में मामूली कॉरपोरेटर भी कोई बाद में बन जाता है, वो भी किसी संत को यह कहने के लिए नहीं जाएगा कि मैं अपनी कॉरपोरेटरी छोड़ रहा हूं, आपके साथ संकीर्तन करने के लिए रहूंगा, ये भी कहने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन इतना स्वकर्तृत्व से संपादन किया हुआ राज्य छोड़कर हरि संकीर्तन में सारा जीवन बिताने का विचार उनका। तीसरी एक घटना उनके जीवन में आती है। राज्याभिषेक के पश्चात वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ। उनका पिंड ही वैराग्य का था, मूल प्रवृत्ति वैराग्य की थी, राज्य और भौतिक वैभव के बारे में कोई आसक्ति नहीं थी। लगा कि किस झंझट में मैं फंस गया हूं, इससे तो मेरा आत्मिक विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए एक दिन जब उनके गुरु रामदास स्वामी, समर्थ रामदास, भिक्षा मांगने के लिए इनके यहां आ गए, तो शिवाजी ने उनके झोली में एक चिट्ठी डाली। उनको आश्चर्य हुआ कि भाई क्या चिट्ठी, क्या है, उन्होंने पढ़ी तो उसमें था कि मेरा जितना राज्य है मैं सब आपको समर्पण करता हूं। अब यह बड़ा विचित्र प्रसंग है, स्वकर्तृत्व से संपादन किया हुआ राज्य और एक सन्यासी के झोली में ये डालते हैं चिट्ठी कि मैं सारा राज्य मैं आपको समर्पण करता हूं। अब ये सन्यासी भी विचित्र परंपरा के, वो कहते हैं अभी राज्य की लालच किसको नहीं होती, लेकिन जिनको राज्य का दान किया वो कहते हैं कि मैं दान लेकर क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी हूं, ये मेरे धर्म में नहीं आता शासन करना वगैरह, तो ये तुम्हारा तुम वापिस ले लो। शिवाजी कहते हैं कि जो दान दिया हुआ है वो वापिस नहीं लिया जा सकता, वापिस कैसे लेंगे। माने दोनों में संघर्ष क्या है कि शिवाजी कह रहे हैं कि मैंने दान आपको दिया है, आपने लेना ही चाहिए। रामदास कह रहे मैं सन्यासी हूं, मैं राज्य नहीं ले सकता, तो राज्य तुमने ही वापिस लेना चाहिए। माने राज्य शिवाजी कहते हैं कि महाराज आपका है, रामदास स्वामी कहते हैं बेटा राज्य तुम्हारा है, मेरा नहीं। इस तरह का संघर्ष आज के नए जमाने में आप कल्पना कर सकते, इस तरह का संघर्ष होगा कि कोई कहे कि नहीं प्राइम मिनिस्टरशिप मेरी नहीं तुम्हारी है, और दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर तुम हो मैं नहीं,
इस तरह का संघर्ष की कल्पना आज कर सकते। लेकिन यह संघर्ष हुआ जहां दोनों हिंदू आदर्शों का निर्वाह करने वाले थे। बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज फार्मूला रामदास स्वामी ने दिया कि भाई ठीक है, तुमने राज्य का दान कर दिया तो राज्य तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुमने दान कर दिया। अब मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूं। तो यह जो राज्य है वह अपना जो परंपरागत राष्ट्र का प्रतीक है भगवत ध्वज, इसका राज्य, भगवत ध्वज इसका स्वामी, उसके प्रतिनिधि के रूप में तुम शासन चलाओ। यह एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाला गया। लेकिन यह जो प्रवृत्ति है यह दिखाती है कि भौतिक वैभव की बिल्कुल इच्छा नहीं, राज्य संपादन करने का जो कार्य है वह भी केवल धार्मिक कर्तव्य के नाते, धार्मिक कर्तव्य के नाते, कर्तव्य भावना छोड़कर और कोई राज्य संपादन करने के पीछे भावना नहीं। जैसा रामदास स्वामी ने कहा था कि भाई जो ही राज्य संपादन का कार्य है वह जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसमें से धर्म की स्थापना होने वाली, इस भावना को लेकर केवल यह कार्य करते थे। और इसके कारण संसार के इतिहास में जितने ही बड़े बड़े श्रेष्ठ जगत जेता पुरुष हो गए, आदर्शवाद के नाते शिवाजी के सामने किसी की तुलना नहीं हो सकती। जिनकी जिनकी व्यक्तिगत आकांक्षा होगी, जिनके जिनके पीछे बड़ा आदर्शवाद नहीं होगा, जो धर्म के प्रति, आदर्श के प्रति आत्मसमर्पित नहीं हो गए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को शिवाजी की तुलना में नहीं बिठाया जा सकता। तो इस तरह संसार के इतिहास में एक विशेष आदर्श उपस्थित करने वाले महापुरुष या अद्वितीय स्थान शिवाजी का है। लेकिन जहां हम शिवाजी के इस अद्वितीयता का विचार कर रहे, वहां दूसरी भी बात हम भूल नहीं सकते। शिवाजी का जो यह प्रयास रहा वह अकेला, स्वतंत्र, बाकी घटनाओं से पृथक, इस तरह देखा नहीं जा सकता। आजकल जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह कुछ डिस्टॉर्टेड, विकृत स्वरूप में पढ़ाया जाता है। 3-4 हजार साल का जो हिंदू वैभव का इतिहास है 50 पेजेस में आ जाता है। फिर 600-700-800-900 साल का जो मुसलमानी आक्रमण का इतिहास है 150-200 पेजेस में वो आता है। फिर 125 साल का जो अंग्रेजों का इतिहास है वो 200 पेजेस में आता है। और फिर इस तरह का विकृत दर्शन हमें दिया जाता है कि जैसे यह आक्रमणों का ही इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास, यानी विदेशियों के आक्रमणों का इतिहास। वास्तव में बात गलत है। हम ऐसा देख सकते इतिहास में कि विदेशियों ने इस भूमि पर पैर रखा तब से लेकर आज तक हिंदुओं का प्रतिकार संग्राम, स्वातंत्र संग्राम लगातार चलता रहा है, अखंड चलता रहा है, अविरत चलता रहा है। यह ठीक है कि स्थान बदले होंगे, रणक्षेत्र बदले होंगे, सेनापति बदले होंगे, सेनाएं बदली होगी, हथियार बदले होंगे, लेकिन लड़ाई एक ही रही। हो सकता है कभी दाहिर के नेतृत्व में, कभी जयपाल अनंगपाल के नेतृत्व में, कभी संघ, राणा संघ और प्रताप सिंह के नेतृत्व में, कभी विजयनगर के नेतृत्व में, कभी सिख गुरुओं के नेतृत्व में, माने नेतृत्व अलग अलग रहा होगा लेकिन लड़ाई एक थी। रणक्षेत्र अलग अलग रहे होंगे, लड़ाई एक थी। सेनापति अलग अलग हुए होंगे, लड़ाई एक थी। और जहां एक सेनापति ने सूत्र रख दिया वहां दूसरे सेनापति ने सूत्र उठा लिया है। दाहिर के घटना के पश्चात पंजाब में जयपाल अनंगपाल ने प्रतिकार किया, वहां से जो सूत्र रखा गया वह राजपूत जो हमारा वीर पुरुष है उसने उठा लिया, वहां से जो सूत्र रखा गया विजयनगर ने उठा लिया, विजयनगर में जो सूत्र रखा वह शिवाजी ने उठा लिया, और शिवाजी के वंशजों ने सूत्र रखा ही नहीं था, वहां दशम गुरु, गुरु गोविंद सिंह और बाकी लोगों ने यह सूत्र उठा लिया। और वह समाप्त ही नहीं हुआ तो फिर स्वातंत्र संग्राम में हम देखते हैं रानी झांसी है और बाकी लोग हमारे सामने आ जाते। माने एक कंटिन्यूटी, एक अखंड प्रतिकार संग्राम, अखंड स्वातंत्र संग्राम। और इस दृष्टि से जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, उसी तरह
सिंध ने पंजाब को प्रज्वलित किया, पंजाब ने राजपुताना को प्रज्वलित किया, राजपुताना ने विजयनगर को प्रज्वलित किया, विजयनगर ने महाराष्ट्र को प्रज्वलित किया, महाराष्ट्र ने पंजाब को प्रज्वलित किया। एक दीप बुझने के पहले, समाप्त होने के पहले और दूसरे दीपक को दीपक को प्रज्वलित कर जाए, इस तरह की अवस्था संपूर्ण इतिहास में दिखाई देती है। और इस दृष्टि से शिवाजी का जो प्रयास है वह अलग स्वतंत्र पृथक ऐसी घटना नहीं। यह जो एक श्रृंखला है दाहिर से लेकर तो 1857 तक की, यह जो एक श्रृंखला है उसकी एक कड़ी माने शिवाजी का प्रयास है, यह एक बात हम ख्याल में रखें। दूसरी बात कि जहां यह बात सही है कि विजयनगर ने जो दीप नीचे रखा उसी को शिवाजी ने उठा लिया, लेकिन यह करने के पूर्व शिवाजी के कार्य की भूमिका बांधने वाली एक परंपरा महाराष्ट्र में निर्माण हुई थी। यह परंपरा राजनीतिक प्रचारकों की नहीं थी, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट की नहीं थी, यह परंपरा धर्म संस्कृति के प्रवक्ताओं की थी, जिसमें संत ज्ञानेश्वर आते, संत रामदास और तुकाराम आते, संत नामदेव आते। इस तरह संतों की जो मालिका, महात्माओं की जो मालिका हुई शिवाजी के पूर्व 150-250 साल तक, इन संतों ने एक जन जागरण किया। जन जागरण इसके लिए नहीं कि दूसरे पार्टी की हुकूमत है तो अपने पार्टी वालों की लानी चाहिए, ऐसा नहीं, तो जन जागरण इस दृष्टि से कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए, धर्म की स्थापना होनी चाहिए, अपनत्व का अभिमान, यवन जो हमारे धर्म पर आघात कर रहे उनके विषय में एक तीव्र प्रतिकार की भावना, ईश्वर भक्ति का प्रचार, माने धर्म और संस्कृति के आधार पर जन जागरण, यह परंपरा 150-250 साल तक अप्रतिहत चलती आई। उसी परंपरा का परिपक्व फल यानी छत्रपति शिवाजी, ऐसा कहा जा सकता है। छत्रपति शिवाजी यदि किस बात का फल हो गया तो वह इस परंपरा का, संत महात्माओं की परंपरा का एक परिपक्व फल यानी छत्रपति शिवाजी। यह जो संदर्भ है इस संदर्भ को भी ख्याल में रखना आवश्यक है। छत्रपति शिवाजी का केवल राज्य निर्माण करना इतना ही उद्देश्य नहीं, केवल वे शासक नहीं थे, तो ऐसा दिखाई देता है कि हिंदू राष्ट्र का बड़ा लंबा विचार, लॉन्ग रेंज इस तरह का विचार राष्ट्र निर्माण का उनके सामने था। ये दो बातें अलग अलग है, राज्य निर्माण करना केवल अलग बात है, राष्ट्र निर्माण अलग बात है। तो एक राष्ट्र निर्माण का लंबा विचार उनके मन में था, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। और इस दृष्टि से शासन चलाने के अलावा भी, राज्य स्थापन करने के अलावा भी जो कुछ कार्य शिवाजी ने दूरदर्शिता के साथ किए, वे राष्ट्र निर्माताओं के मालिका में शिवाजी को बिठाते। केवल उदाहरण के लिए थोड़ी ही बातें बतानी हो, जैसे ही राज्यारोहण समारंभ हुआ तो उन्होंने अष्ट प्रधान मंडल की नियुक्ति की, हिंदू परंपरा के, प्राचीन हिंदू परंपरा के अनुकूल एक शासन व्यवस्था, अष्ट प्रधान मंडल की नियुक्ति की। मुगलों के समय से लैंड रेवेन्यू की जो पद्धति चलते आई थी उसको बदल दिया, हिंदू पद्धति से लैंड रेवेन्यू की फिर से उन्होंने एक नई सिस्टम बिठाई। तब तक जितना ही शासन का कारोबार चलता था वह फारसी और उर्दू में चलता था, हिंदू भी जो शासन में बाकी कारोबार में और हिस्सा लेते थे सारा फारसी और उर्दू में चलता था। किंतु एक लंबा विचार कि जब तक स्वभाषा का जागरण नहीं होता तब तक स्वदेश भक्ति का जागरण नहीं होगा। विद्वान लोगों की कमिटी बिठाई और राज्य व्यवहार से संबंधित हर एक उर्दू फारसी शब्द के लिए संस्कृत प्रति शब्द खोजा, राज्य व्यवहार कोश यह निर्माण किया। और इस तरह से बड़ा ही मूलगामी परिवर्तन शासकीय परिभाषा में, टर्मिनोलॉजी में उन्होंने प्रविष्ट कराया। बहुत दूरगामी परिणाम करने वाली यह बात थी। संपूर्ण राष्ट्र का दूरगामी विचार होने के कारण
जो उन दिनों में किसी के ख्याल में नहीं आई वह बात उन्होंने समझ ली कि जैसे लैंड पावर का एक महत्व, वैसे आगे चलकर नेवल पावर का भी महत्व रहेगा, नाविक शक्ति का भी महत्व रहेगा। 15वीं शताब्दी के अंत तक नाविक शक्ति के नाते संपूर्ण दक्षिण सागर और हिंदू महासागर में हिंदुओं की नाविक शक्ति सबसे श्रेष्ठ थी, प्रबल थी। 15वीं शताब्दी के पश्चात वह परंपरा टूट गई, किंतु आने वाले जमाने में नाविक शक्ति का महत्व है इसको जानकर उन्होंने नाविक शक्ति का निर्माण किया, नाविक दुर्गों का निर्माण किया। और इसलिए अपने परम पूजनीय श्री गुरु जी ऐसा कहा करते थे कि शिवाजी का जो चित्र हमेशा घोड़े पर बैठा हुआ आता है, ये बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर लड़ाइयां लड़ी और वो जीत ली, यह तो उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है ही, लेकिन उससे भी अधिक दूरदर्शिता उनकी इसमें है कि उन्होंने जल शक्ति का निर्माण किया, जल शक्ति की नींव डाली। और इस दृष्टि से अपने परम पूजनीय गुरु जी कहा करते थे कि शिवाजी के ऐसे भी चित्र प्रचलित होने चाहिए कि जहाज पर शिवाजी खड़े है सामने से अंगुली निर्देश कर रहे, इस तरह के भी चित्र प्रचलित होने चाहिए जिससे लोगों को पता चलेगा कि हिंदू जल शक्ति के निर्माता इस नाते भी शिवाजी का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। उन दिनों में सभी लोग हमारे महासागर में आए, अरब लोग आते ही थे, फिर डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, लेकिन शिवाजी ने जिसका निर्माण किया था वह नाविक शक्ति इतनी प्रबल हुई कि आगे चलकर जो हमारे एडमिरल कान्हो जी आंग्रे, ये सभी पराए नाविक शक्तियों का मुकाबला करते हुए, उनको परास्त करते हुए ऐसी परिस्थिति उन्होंने निर्माण की कि हिंदुस्तान का जो समुद्र है, इस हिंदुस्तान के समुद्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक हिंदू नाविक शक्ति की अनुमति नहीं मिलती। इस तरह की एक परिस्थिति उन्होंने निर्माण की। दुनिया के जो एडमिरल्स हो गए उनमें महत्वपूर्ण स्थान एडमिरल कान्होजी आंग्रे का आता है। इसका सूत्रपात शिवाजी ने किया था। वैसे हम जानते हैं सामाजिक स्तर पर भी, क्योंकि वो केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, राष्ट्र निर्माता थे, संपूर्ण समाज का विचार उनके सामने था, और इसके कारण सामाजिक स्तर पर उनके मन में यह बात थी कि यह जो हिंदू का अहिंदू बनता है, किसी भी बहाने से हिंदू को अहिंदू बनाया जा सकता है, यह वन वे ट्रैफिक है, इधर से आदमी उधर जाता है, गलती से जा सकता है, लालच के कारण जा सकता है, मोहवश जा सकता है, जबरदस्ती से जा सकता है, लेकिन किसी भी कारण हिंदू क्षेत्र के बाहर गया हुआ व्यक्ति फिर से वापिस आने की कोई गुंजाइश नहीं। इससे क्या होगा, जाना ही जाना, आने की कोई गुंजाइश नहीं। उन दिनों में आज हम कल्पना कर सकते, आज भी शुद्धिकरण का यदि नाम लिया तो लोग पसंद नहीं करते। 300 साल के पहले, और जब सामाजिक धारणाएं दूसरी थी, उस समय शिवाजी पहले पुरुष थे जिन्होंने शुद्धिकरण करवाया। नेताजी पालकर यह एक अच्छे सेनापति जो मुसलमान हो गए थे, औरंगजेब के सेवा में थे, वापिस आए, पश्चाताप दग्ध होकर वापिस आए, उनको हिंदू करवाया। बजाजी निम्बालकर जो स्त्री के लालच में आकर, मोह में आकर मुसलमान बन गए थे, उनको भी पश्चाताप हो गया, वो फिर वापिस आए, उनको हिंदू करवाया। और इनको हिंदू करने के पश्चात बाकी समाज के लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे उनका, यह सोचकर अपने परिवार की एक लड़की शादी में उनको दे दी, उनकी प्रतिष्ठा समाज में प्रस्थापित की। इस तरह से मुसलमान को हिंदू किया जा सकता है, यह अपने स्वयं अपने उदाहरण से, और उन्होंने प्रस्थापित किया। बड़ी दूरगामी ऐसी यह बात रही, माने कितने ही दूरगामी नीतियों का निर्माण उन्होंने किया, नीतियों का सूत्रपात उन्होंने किया, यह बात उनके इतिहास से हमें दिखती है। सबसे बड़ी बात जो आजकल लोगों की चर्चा में है, हिंदुओं के लिए उसकी विशेषता कुछ नहीं, जो हिंदू शब्द का मतलब नहीं समझते उनके लिए विशेषता है, तो स्वराज्य में, स्वराज्य का सारा कारोबार आज जिसको लोग सेक्युलर कहते हैं उस ढंग से उन्होंने चलाया।